अगेन इन दिस ट्यूटोरियल टुडेज टॉपिक इज कैश मेमोरी। आज हम लोग को कैश मेमोरी के बारे में समझना है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश मेमोरी के बारे में और समझते हैं क्या होता है। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि कैश मेमोरी को समझने से पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को आप अच्छे से समझ लें। इसके लिए हमने अलग से दो वीडियो बना के रखे हैं, एक प्राइमरी मेमोरी के लिए और एक सेकेंडरी मेमोरी के लिए। उनको आप देख लें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश मेमोरी के बारे में बताते हैं कि कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो प्रोसेसर की स्पीड को, वर्किंग स्पीड को फास्ट करता है। कैसे करता है वो हम आगे समझते हैं। ये सीपीयू के पास में लगा होता है, सीपीयू के साथ लगा होता है कह सकते हैं, इसीलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। सीपीयू का मतलब मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। ये टोटली टेम्पोररी मेमोरी होता है कैश मेमोरी। और अब आगे चलिए हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इस पिक्चर में आपको दो पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा इस स्लाइड में। पहला पिक्चर जिसमें कैश मेमोरी नहीं लगा है और एक दूसरा पिक्चर जिसमें कैश मेमोरी लगा हुआ है। तो चलिए पहले समझते हैं पहले पिक्चर को। और अगर कैश मेमोरी नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, और कैश मेमोरी लग जाता है तो क्या होता है। तो कैश मेमोरी अगर नहीं लगा हुआ है तो प्रोसेसर डायरेक्ट इंट्रैक्शन प्राइमरी मेमोरी से करेगा, यानी कि मेन मेमोरी से करेगा। जब भी कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस लेना होगा तो प्रोसेसर मेन मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन लेगा। अब अगर कंडीशन ये हो कि सेम टाइप के डेटा और इंस्ट्रक्शन बार बार प्राइमरी मेमोरी से लेना होगा तो प्रोसेसर को बार बार रिक्वेस्ट करना होगा प्राइमरी मेमोरी से, यानी कि मेन मेमोरी से। तो बार बार रिक्वेस्ट करने में और डेटा बार बार लेने में, सेम टाइप का डेटा लेने में क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी इसमें थोड़ा समय लगेगा और प्रोसेसर उतना फास्ट काम नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि उसका समय लग जा रहा है केवल डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी से मेन मेमोरी से लेने में। तो यहाँ पे स्पीड का मामला आ रहा है, यहाँ पे स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो होगी। अब चलते हैं देखते हैं जहाँ पे कैश मेमोरी अगर लग जाता है तो कैसे ये काम करता है। अब प्रोसेसर रिक्वेस्ट करेगा कैश मेमोरी में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को लेना होगा वो मेन मेमोरी से पहले कैश मेमोरी में जाएगा और फिर कैश मेमोरी से फिर प्रोसेसर को मिलेगा। अब फायदा यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब जब प्रोसेसर को डेटा और इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी तो वो मेन मेमोरी को पहले रिक्वेस्ट नहीं करेगा, पहले जाएगा उसका रिक्वेस्ट कैश मेमोरी के पास। अगर कैश मेमोरी के पास वो डेटा अवेलेबल है, डेटा इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, तो वो कैश मेमोरी से ही ले लेगा, जस्ट बगल से ही ले लेगा, मेन मेमोरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अब हमारा प्रोसेसिंग स्पीड, यानी प्रोसेसर का प्रोसेसिंग स्पीड अब फास्ट होने वाला है। अब एक कंडीशन जो हमने आपको बताया था कि अगर सेम टाइप के डेटा और इंस्ट्रक्शन की जरूरत बार बार प्रोसेसर को पड़ रही है तो वो बार बार मेन मेमोरी के पास न जा करके वो कैश मेमोरी से ही रिक्वेस्ट कर लेगा और बार बार डेटा इंस्ट्रक्शन यही बगल से ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब उसको बार बार मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो केवल केवल कैश से करेगा फिलहाल। तो अगर कैश में नहीं मिलेगा तो मेन मेमोरी के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश मेमोरी की हेल्प से अब प्रोसेसर को जो डेटा इंस्ट्रक्शन उठाने में टाइम लगता था अब वो टाइम नहीं लगने वाला है, यानी कि प्रोसेसर की स्पीड क्या हो गई, थोड़ी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो गई, थोड़ी फास्ट हो गई। तो कैश मेमोरी का काम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने का काम कर रहा है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पोररली स्टोर करके रख लेता है। अब कैश मेमोरी की जो साइज होती है वो भी जान लेते हैं, वो 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, सॉरी GB में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए ये MB में होता है, ये 2 MB, 3 MB, 4 MB, 8 MB इस तरीके से होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी MB में होता है, इसका मतलब बहुत ही साइज की छोटी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, ये बहुत स्पीड को फास्ट करता है। तो पहले जो शुरुआत में कंप्यूटर्स आए थे तो उन कंप्यूटर्स में तो कैश मेमोरी नहीं होता था, तो इसलिए उनकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। आजकल जितने भी बोर्ड आ रहे हैं जिसमें प्रोसेसर के साथ कैश मेमोरी अटैच्ड होता है, तो जब अटैच्ड है तो इसका मतलब इसीलिए हम लोगों का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट है। जिसका जितना बड़ा कैश मेमोरी होगा, अगर 8 MB का है तो निश्चित रूप से उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाला बात नहीं है, यहाँ पे बस वही डेटा स्टोर होगा, डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो इसमें स्टोर हो सकता है, जो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलता है उसके लिए। ये ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है, टेम्पररी मेमोरी
इसीलिए इसका नाम है टेम्पोरेरी मेमोरी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैश मेमोरी किस तरीके से काम करता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, इससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है। आपको पानी पीना है, क्या करते हो, ग्लास में पानी लेते हो, पीते हो, ठीक है। आपको फिर से पानी पीना है तो आप क्या करते हो, फिर से ग्लास लेके जाते हो, जहाँ से आप फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी आप कहाँ से पानी लेते हो, ग्लास में, जहाँ पानी आपका रखा होता है किचन में या जहाँ पे भी रखा होता है, आरओ के पास होता है, तो आप जाते हो वहाँ से ग्लास में पानी लेते हो, पीते हो, फिर आगे बैठते हो अपने टेबल पे, स्टडी कर रहे हो सपोज आप, तो फिर जरूरत पड़ी तो फिर आप जाओगे वहाँ से पानी लोगे, फिर आप पियोगे ला करके, फिर आप अपने टेबल पर बैठोगे, फिर जरूरत पड़ेगा फिर आप जाओगे। तो आपका जाने और आने में जो समय लग रहा है उसके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप क्या करिए, एक जग में पानी ले लीजिए और फिर टेबल पर रख लीजिए, जब जब जरूरत हुआ ग्लास में पानी लिया और पी लिया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो आप बार बार उठ करके जा रहे थे पानी की जगह पे लेने के लिए पानी, अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जग में पानी रखा हुआ है और जब जब जरूरत हुआ तो आपने पानी लिया और पिया। क्या फ़ायदा हुआ जग के यूज़ से, जग से ये फ़ायदा हुआ कि आपका टाइम का बचत हुआ, आपकी स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई, थोड़ी फास्ट हुई। उसी तरीके से कैश मेमोरी भी काम करता है। आपको बार बार पानी वाले जगह पे नहीं जाना है, नहीं मेरी मेमोरी के पास नहीं जाना है, अब आपके पास ये जग वाला जगह है, कैश मेमोरी है, और जब जरूरत हुआ तो यहीं से डेटा ले लिया या इंस्ट्रक्शन ले लिया। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये वही जग वाला काम कर रहा है, आपको बार बार दौड़ करके मेन मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कैश मेमोरी कितना इम्पोर्टेंट है सीपीयू के लिए यानी प्रोसेसर के लिए। अगर ये ना हो तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो आपके अपने प्रोसेसर की स्पीड को अगर बढ़ानी है तो कैश मेमोरी आप क्या करेंगे, बढ़ा दीजिए और आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करने वाला है यूजिंग कैश मेमोरी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ मैं समझा पाया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ मैसेज करके हमको आप क्वेरीज कर सकते हो। फिलहाल आपको आज ने जो टॉपिक समझाया वो कैश मेमोरी के बारे में बताया, कैश मेमोरी क्या होता है और कैसे वो वर्क करता है। इन दोनों पिक्चरों में हमने ये भी बता दिया कि विदाउट कैश मेमोरी कैसे काम होगा और कैश मेमोरी अगर आ जाता है तो कैसे काम होगा। तीन तरीके का कैश मेमोरी होता है, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। लेवल वन और टू प्रोसेसर के साथ अटैच्ड होते हैं, लेवल थ्री अलग से लगाए रख गए होते हैं। इसके बारे में लेवल टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी के बारे में हम लोग डिटेल में अलग से वीडियो में समझ लेंगे। फिलहाल आज आपने ये समझा कि कैश मेमोरी क्या होता है। तो चलिए ठीक है, आज के टॉपिक को अच्छे समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से मेरा रिकमेंडेशन होगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वाला जो वीडियो वो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।